कई बार पूछा जाता है कि आखिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बहुत कॉमन सा प्रश्न है, हर एक आदमी जानना चाहता है कि आखिर शिक्षा क्या है, शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर शिक्षा मिले तो किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा भारतवर्ष बहुत से दार्शनिकों के नजरियों से शिक्षा को देखता है, उसपे बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन शिक्षा पे तीन लोगों का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। B.R. अम्बेडकर ने शिक्षा को लेकर के एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जिसने भी पिया है दहाड़ा है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से इस प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए जो प्रकृति की गोद में रह करके व्यक्ति का स्वस्थ और प्रसन्न चित्त मानसिकता का विकास कर सके। वहीं महात्मा गांधी मानते हैं कि अच्छी शिक्षा वह शिक्षा है जो उस आदमी को न सिर्फ शिक्षित करे बल्कि उसके शरीर को एक ऐसी आदत में ढाल दे कि वह शरीर उसकी इंद्रियां उसके वश में हो और वह आसानी से अपने शरीर को सौंपे गए कार्य को पूर्ण करा सके। साथ ही साथ उनका कहना है कि उस आदमी ने भी सच्ची शिक्षा प्राप्त की है जिसकी बुद्धि शुद्ध शांत तथा न्यायदर्शी हो। ऐसी आदमी की शिक्षा सच्ची शिक्षा मानी जाएगी जो प्रकृति के कानून के मुताबिक चलता हो। इस प्रकार प्रकृति से मनुष्य को और मनुष्य को प्रकृति से लाभ होता रहे। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित हों, बल्कि शिक्षा का मतलब ये है कि आपकी आंतरिक चेतना कितनी विकसित हो पा रही है, आप शुभ अशुभ को कितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, आप उचित अनुचित को कैसे बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। क्योंकि एक शस्त्र चलाने की अवधारणा, एक चाकू चलाने की अवधारणा अगर आप सीख रहे हैं तो उसी चाकू को उसी ब्लेड को चला करके डॉक्टर ऑपरेशंस करते हैं और उसी ब्लेड को चला करके गला रेत करके लोग अपराध भी करते हैं। शिक्षा तो एक ही प्रकार की है लेकिन उसकी भावनात्मक क्षमता के अनुसार उसको समझना और उसका इम्प्लीमेंट करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यही कारण है कि UPSC जैसे आयोग ने अपने एस्से के पेपर में स्टूडेंट से एक निबंध एक एस्से पूछा था कि बिना नैतिकता के शिक्षा व्यक्ति को चतुर शैतान बनाती है। अब बताइए महात्मा गांधी ने जो बात कही कि वही सच्ची शिक्षा हो सकती है जिसके अंदर शुद्धता हो, बुद्धि का विकास हो और जो कुदरत के कानून से चले, अपने कानून के अनुसार ना चले। तो शिक्षा वही बेहतर है जो व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ नैतिक विकास के लिए भी प्रेरित करती हो, क्योंकि बिना नैतिकता से शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य को शिक्षित करना नहीं हो सकता, शिक्षा का उद्देश्य आंतरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास भी है। इसलिए स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो शिक्षा इंसान को एक नैतिक पुरुष और व्यक्तित्व में बदलती है, अगर तो वह बेहतर शिक्षा कहलाएगी। एग्जाम 30 के माध्यम से हम बेहतर शिक्षा और आपकी सक्सेस तक आपको पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यकीन आपके ऊपर है कि आप हमारी संस्था पे, हमारे इस YouTube चैनल पे अपना कितना प्यार लुटाते हैं। तो देखते रहिए एग्जाम 30 और लगातार अपनी प्रिपरेशन को एक अगला कदम और दीजिए एग्जाम 30 के माध्यम से। जय हिंद।